Scorer of the match winner in the 1975 World Cup hockey final, Ashok Kumar was happy to have former skipper Sardar Singh make a comeback in the Indian national team for the Champions Trophy to be held later this month in the Netherlands. Ashok emphasized that it's not just a comeback but that with Sardar around, the morale of the team also improves. Yakinan, aur main to badi purzor maine koshish ki is bare mein aur kaha bhi kai martaba ki Sardar jaisa khiladi India ko milna aur uska khelna desh ke liye bahut badi baat. ऐसे प्लेयर बहुत कम होते हैं किसी भी टीम के लिए. सरदार उन सरदार सिंह उनमें से एक है और पिछले टूर्नामेंट्स के अंदर उसको बाहर रखने का जो हमको खामियाजा भुगतना पड़ा है, जो कमी हमको खली है देश को, वो सबके सामने है. हमने कॉमनवेल्थ गेम्स में एक अच्छा चांस गंवा दिया जो हमारे मेडल टैली को और आगे बढ़ाता. बहरहाल देर आए दुरुस्त आए और मैं तो ये कहूँगा सरदारा का दोबारा टीम में आना टीम के मनोबल को बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया मनोबल, खेल जैसा भी हो लेकिन टीम का मनोबल बढ़ता है. और जब तक कोई सीनियर खिलाड़ी टीम के अंदर ना हो, ऐसा खिलाड़ी ना हो जो डोमिनेट करता रहा हो, उसका टीम में खड़ा होना ही दूसरे खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा है, उनके लिए एक इंस्पिरेशन बन जाता है. और वो खिलाड़ी जो कम खेल रहे होते हैं, जिनका खेल कम होता है, यकीन मानिए कि वो ऐसे खिलाड़ी भी उसी लेवल पर आकर खेलना शुरू कर देते हैं जैसा सरदारा खेलता है. Hockey India had announced the 18-man squad for the last edition of the prestigious event and made a lot of changes to the side. Sardar was not part of the Indian team, which had a disappointing outing at the Gold Coast Commonwealth Games held in April. He was expected to reclaim his place in the side after being included in the national training camp in Bengaluru. देखिए, टीम में खेलना ना खेलना ये तो सिलेक्शन कमेटी का काम होता है और सिलेक्शन कमेटी में अगर सरदारा को या श्रीजेश को, मैं कहूँ श्रीजेश तो अनफिट थे बहरहाल, लेकिन अगर ना मौका मिले या ना सेलेक्ट करें तो उसमें खिलाड़ी आज कुछ कर नहीं सकता है. तो ये बड़ा दायित्व बनता है, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिलेक्शन कमेटी की कि जिस वक्त भी टीम बनाई जाए एक कमतर टीम ना बने, बैलेंस टीम बने और ऐसे खिलाड़ी शामिल हो जिनका योगदान टीम के जीतने में और जिताने में ज़्यादा रहा हो. नए खिलाड़ी शामिल होते रहें और बिना उनके टीम आगे आने वाले वक्त में टीम बन भी नहीं सकती. और हमने कई खिलाड़ियों को चांस हॉकी इंडिया ने दिया है जो बहुत अच्छी बात है. और मैंने पिछली बार भी एक बच्चे के लिए बहुत कहा भी था, शायद विवेक सागर, उसको दोबारा इस टीम में रखा गया है. तो क्योंकि कोच का यकीन उसके ऊपर है, कोच को उसके ऊपर भरोसा है और उस खिलाड़ी को अपने खेल पर भरोसा है. सरदारा को अपने खेल पर भरोसा था, सिलेक्शन कमेटी को सरदारा भरोसा नहीं था, इसलिए पिछली बार निकाला गया या उसको नहीं रखा गया. वजह कुछ भी हो सकती हैं लेकिन टीम में नहीं होना उसका. और अब इस वक्त अगर मैं बात करूं, कई खिलाड़ियों को बदला गया है कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद और एक अच्छी खासी नंबर के रूप में बदला गया है.